Now today we will start the topic statistics, right? In statistics, first we will see the definition of the data. What is the definition of the data? Collection of observations. Observation means numbers, right? Math numbers, Pakistan studies numbers, science numbers, and something grades or something, right? So we can say that if observations can be grouped in two parts. Number one is ungrouped data, or number two is grouped data. What is the meaning of the ungrouped? In ungrouped, we don't need of any table. हमें किसी table की ज़रूरत नहीं है. हम simple जो है वो observations लेते हैं और उसको add करके दूसरी different चीज़ें निकाल लेते हैं. तो इसीलिए हम इसको ये बात कहते हैं कि ungrouped is uncivilized. राइट, ये नॉन सिविलाइज जो भी है, राइट. सो अनग्रुप्ड डेटा में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या क्या चीजें आएंगे, मीन, मीडियन, मोड, एंड नंबर फोर इज अनग्रुप में हिस्टोग्राम भी आएगा, राइट. ग्रुप डेटा की जब मैं बात करता हूं तो ग्रुप डेटा जो होता है बहुत ज्यादा सिविलाइज होता है. सिविलाइज means we will find, yeah, we will make the class interval, we will make the class boundaries, mid values, frequency distribution table, right. तो ये सारी चीजें नहीं कि एक बहुत purified data आपको जो है वो नजर आएगा group data में. So group data में जो हम study करेंगे वो सिर्फ दो चीजें हैं, number one is the mean और number two is the model class, right. उसके बाद ग्रुप डेटा में ही आगे हम यहाँ पर हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करेंगे, और हिस्टोग्राम दो तरीकों से जो है वो आपके पास ड्रॉ किया जाएगा. नंबर वन इज द इक्वल क्लास इंटरवल, राइट, और नंबर टू इज द अनइक्वल क्लास इंटरवल, राइट. जब अनइक्वल क्लास इंटरवल की बात करेंगे तो हम अनइक्वल क्लास इंटरवल में जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे वो दो मेथड से करेंगे. नंबर वन इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड, और नंबर टू इज द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल. ये हाइट ऑफ द रेक्टेंगल जो है हमारे सिलेबस में वैसे भी जो है वो अब नहीं है, इसके क्वेश्चंस नहीं आते, राइट. ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के मिलेंगे, ठीक. उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का जब आपके पास हिस्टोग्राम आएगा तो हिस्टोग्राम में हमें बहुत सारे कुछ चीजों में हिस्टोग्राम ड्रॉ भी किया हुआ होगा, तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, राइट. और कुछ में आपको ड्रॉ भी करने के लिए भी आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ड्रॉ करने के लिए आएगा तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इट इज इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल, राइट. और अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसके बाद जो मेथड है वो आएगा क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, राइट. क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे, और वहां पे ड्रॉ किया हुआ भी आता है, और उससे हमें जो है वो बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है. द फर्स्ट, ज्यादातर जो क्वेश्चंस में आते हैं वो आते हैं मीडियन क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास तीन चीजें आती हैं, लोअर क्वार्टाइल्स, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं Q1, अपर क्वार्टाइल्स Q3, राइट. अब इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1. थर्ड इज अ परसेंटाइल. इसके बहुत ही कम आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो है वो परसेंटाइल और क्वार्टाइल्स में क्या फ़र्क है, किस तरीके से जो है वो आता है, राइट. इसी तरीके से एक नया टॉपिक जो कि स्टैटिस्टिक्स में लास्ट टू ईयर्स जो है वो ऐड हुआ था वो है स्कैटर्ड डायग्राम, राइट. स्कैटर्ड लास्ट टू ईयर्स में के दो साल में ही क्वेश्चन मिलेंगे 2018 और 2019 में. इसमें आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट. उस लाइन ऑफ बेस्ट फिट से हम वी विल फाइंड करेंगे कोरिलेशन और कोरिलेशन. कोरिलेशन में हमें ये चीज़ें भी बतानी है कि वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, वीक कोरिलेशन है, या नो कोरिलेशन है, राइट. फिर उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे लास्ट में जो हमारी डायग्राम्स रह जाती हैं. डायग्राम्स में हमारी कौन कौन सी आती हैं. डायग्राम्स हमारी हैं, नंबर वन जो डायग्राम आती है वो है बार ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, राइट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये तीन चीज़ें हैं जिसमें पास पेपर में आपके इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे. तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी. ये टोटल स्टैटिस्टिक्स है, राइट. अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह ताला वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अनग्रुप डेटा से, राइट.